हेलो एवरीवन क्लास नाइन्थ इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक 2022 की और इसमें हम आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इसके पहले के वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर इलेवन तक कर चुके हैं तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो कि लिया गया है आपकी पोएट्री सेक्शन से और इसमें दो दो नंबर के दो क्वेश्चंस आएंगे चलिए देखते हैं फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन पहला क्वेश्चन पूछा गया है वेयर डज द ट्रेवलर फाइंड हिमसेल्फ व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस तो ट्रैवलर अपने आप को कहाँ पाता है ट्रैवलर कहाँ पाता है और उसकी क्या समस्या है तो सबसे पहली चीज है फाइंड हिमसेल्फ ट्रेवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द वुड द प्रॉब्लम इज दैट ही कॉन्ाइड विच रोड टू टैक टू कंटिन्यू हिस जर्नी और समस्या क्या है कि वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए कौन सी रोड चूज करे सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द टू रोड डिड द पोएट चूज एंड वाई कि दो जो रोड थी उनमें से पोएट ने कौन सी रोड चुनी और क्यों तो इसका आंसर है द पोएट टू द सेकेंड रोड कौन सी रोड चुनी उसने सेकेंड रोड और जो कि क्या थी विच वॉस लेस ट्रेवल क्योंकि उस पर लोग ज्यादा चले नहीं थे और पोएट ने ये रोड क्यों चुनी बिकॉज ही वॉन्टेड रिस्क वो रिस्क लेना चाहता था कि जिस रोड से कोई भी नहीं गया है तो उस रोड पे चलने से क्या होगा अगला देखते हैं हम पोएम सेकेंड अब पोएम सेकेंड में यहां पर क्वेश्चन पूछा है हाउ डज द पोएट वॉन्ट द विंड टू कम पोएट क्या चाहता है कि विंड कैसे आए तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है द पोएट वॉन्ट्स टू द विंड टू कम सॉफ्टली पोएट चाहता है कि विंड बहुत ही सॉफ्टली आए मतलब किसी को परेशान न करे कुछ ऐसा बिगाड़ा ना करे बहुत ही शांति से धीरे से आए वॉट डज द विंड गॉड डू विंड गॉड क्या करता है तो इसका आंसर है विंड गॉड विनोज विनोज करता है कमजोर और स्ट्रांग में से छाटता है और उसके बाद में क्या करता है जो वीक होते हैं उनको क्रश कर देता है हु हैज रिटर्न द पोयम विंड विंड किसने लिखा है तो विंड लिखा है इसके पोएट ने सुब्रमण्य भारती अगली पोयम है रेन ऑन द रूफ रेन ऑन द रूफ में है पहला क्वेश्चन व्हाट डज द पोएट लाइक टू डू वैन इट रेन पोएट क्या चाहता है जब वो बारिश हो तो जब बारिश होती है तो पोएट क्या चाहता है कि वो अपने बेड पर अपनी कॉटेज के अंदर रहे और क्या करे जो पैक

अगला है व्हाट इज द सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू द पोएट पोएट को कौन सी सिंगल मेजर मेमोरी आती है और वो है उसकी मदर की उसको अपनी मेमोरी में, में वही सब याद आता है हु आर द डार्लिंग ड्रीमर्स टू द पोएट रेफर टू डार्लिंग ड्रीमर्स कौन है पोएट तो है ही लेकिन उसके साथ में कौन है पोएट के सिबलिंग्स हैं उसके भाई बहन हैं जो वो सब डार्लिंग ड्रीमर्स हैं नेक्स्ट पोएम है नो मैन आर फॉरिन हुम डज़ द पोएट रिफर टू एज़ अ ब्रदर एंड वाई पोएट ने किसको कहा है कि हमारे भाई और ऐसा क्यों कहा है तो पोएट जो दूसरे लोग दूसरी कंट्री में रहने वाले लोग हैं पीपल लिविंग इन अदर कंट्रीज़ को आर ब्रदर कहा है अगला है हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम पोएट ने ये कैसे सजेस्ट किया है कि जो अर्थ पर जितने भी लोग रहते हैं वो सेम हैं क्यों कहा है क्योंकि सभी लोग ब्रीथ और लिव एक ही जैसा तरीके से करते हैं सब एक जैसे सांस लेते हैं सब एक जैसे ही जीते हैं व्हाट डज द पोइट से अबाउट हैटिंग अवर ब्रदर अपने ब्रदर को हैट करने के लिए नफ़रत करने से क्या होगा क्या कहा पोइट ने विथ डिस बिट्रे एंड कंटेम अवर सेल्स तो ये सब हम क्या करते हैं विश्वासघात करते हैं अपने साथ अगर हम अपने भाइयों से नफरत करते हैं तो When do we डिफाइल्ड the अर्थ हम अर्थ को प्रदूषित कब करते हैं सिर्फ प्रदूषण करने से नहीं होता है बल्कि अगर हम अदर ह्यूमरिंग ह्यूमन बींग्स को फॉरेनर्स मानते हैं है ना हम उन्हें अपना भाई नहीं मानते बल्कि उनको फॉरेनर्स मानते हैं तो भी हम अर्थ को प्रदूषित करते हैं द डक एंड द कैंगू वेयर डिड द डक लिव एंड डिड ही लॉन्ग फॉर डक कहाँ रहती थी एक पोंड में और वो क्या चाहती थी वो चाहती थी जो पूरा वर्ल्ड है उसको घूमना चाहती थी देखना चाहती थी अगला है वेयर डिड द डक वॉन्ट टू गो डक कहाँ जाना चाहती थी तो डक जानी चाहती थी सी द वर्ल्ड अवे फ्रॉम द पोंड उस तालाब के बाहर की जो दुनिया है उसे वो देखना चाहती थी और वहाँ देर ही रिक्वेस्ट दे कैंगरू टू डू उसने कंगरू से क्या रिक्वेस्ट किया उसने कैंगरू से रिक्वेस्ट किया टू लेट हिम राइड ऑन हिज बैक उसने ये रिक्वेस्ट किया कि वो उसे जो है डक ने रिक्वेस्ट किया कैंगरू से कि कंगरू उसे अपनी पीठ पर बैठने दें क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट डिड द डक प्रॉमिस द कैंगू अब डक ने क्या प्रॉमिस किया कैंगरू को क्योंकि कैंगरू ने कहा कि भाई मुझे सर्दी हो जाएगी या कुछ परेशानी भी हो सकती तो डक ने क्या प्रॉमिस किया उसने किया कि वो स्टिल एंड साइलेंट उसने क्या कहा कि मैं बिल्कुल चुप शांत बैठी रहूँगी कहाँ पर कैंगू स्टिल बिल्कुल शांति से चुपचाप बैठी रहूँगी अगला है व्हाट डिड द डक डू टू ओवरकम द कैंगू सब्जेक्शन अब जब सर्दी की बात हुई तो डक ने क्या बताया कि वो कैंगू के ऑब्जेक्शन को किस तरह से रिमूव करेगी उसने कहा द परचेस्ड फोर पेयर ऑफ वन सॉक्स उसने क्या करा चार जोड़ी जो है वुलन सॉक्स भी ले लिए और एक क्लॉक भी ले लिया ताकि वो ठंड से बची रहे अब अगला है ऑन किलिंगर ट्री अगली पोइम है हमारी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ ट्री बिकम स्ट्रांग ट्री कैसे स्ट्रांग बनता है ये जब कई सालों की सनलाइट एयर वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है तब वो स्ट्रांग बनता है अगला है हाउ डज द ट्री ग्रो टू इट्स फुल साइज ट्री कैसे फुल साइज ग्रो होता है फिर इसमें भी वही आंसर आ जाएगा कि जो ईयर्स ऑफ सनलाइट वाटर और एयर को एब्जॉर्व करके वो फुल साइज बनता है अगला है क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डज द ट्री हील इट्सल्फ ट्री अपना इलाज कैसे करता है तो जो ब्लीडिंग बार्क जो ट्री हैं की हैं वो अपने आप सही होती हैं और शेंडिंग आउट शूट्स एंड ब्रांचेस दैट विल हेल्प इट री ग्रो टू इट्स फार्मर साइज तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं अगला है वाट आर मिनीचर बोज वाट हैपन्स इफ दे आर लेफ्ट अनचेक मिनिएचर बो क्या हैं और अगर उनको छोड़ दिया जाए तो क्या होता है तो मिनिएचर बोज क्या होती हैं न्यू ब्रांचेस होती हैं कौन कौन सी विच स्प्राउट वन द ट्री वॉज हैक्ड और चोब्ड जब ट्री को थोड़ा सा काटा जाता है तो उससे जो नई ब्रांचेस निकलती हैं वो हैं मिनिएचर बू और अगर उनको छोड़ दिया जाए तो क्या होगा इफ दे आर लेफ्ट एंड चेक द एक्सपैंड एंड बिकम अस्ट्री वो अगर छोड़ दिया जाए तो वो बढ़ जाती हैं और वो बड़ा पेड़ बनाती हैं अगला है द स्नैक ट्राइंग हु इज द पोएट ऑफ द स्नैक ट्राइंग इसके पोएम के राइटर कौन हैं डब्ल्यू डब्ल्यू ई रॉस ठीक है शॉर्ट में ही आप लिखेंगे इसे वॉट टाइप ऑफ स्नैक इज इट स्नैक किस तरीके का है तो वो है ब्यूटिफुल ग्रीन स्नैक है हाउ इज द स्नैक्स बॉडी स्नैक की बॉडी कैसी है उसकी लंबी और पतली सी बॉडी है वेयर इज द स्नैक ट्राइंग टू हाइड स्नैक कहाँ छिपना चाहता है स्नैक uh, कहाँ पर छुपा ग्रीन रिट्स इन द रिपल्स ऑफ द वॉटर ग्रीन रिट्स जो थी और जो पानी के भंवर बने हुए थे उसके अंदर वो जाके छुप जाता है अ स्लमर डिड माई स्पिरिट सी अब पहला क्वेश्चन है इसमें व्हाट डज द पोएट मीन बाय स्पिरिट स्पिरिट का मतलब वैसे तो आत्मा होता है लेकिन यहाँ पर क्या है माइंड ऑफ द पोएट और इन व्हाट स्टेट वाज इट और उसकी क्या स्टेट थी स्पिरिट की वो स्लमर में थी नींद में थी व्हाट काज द स्लमर ऑफ द पोएट पोएट को नींद क्यों आ रही थी द पोएट वॉज पैशनलिट इन लव विद द गर्ल तो यहाँ पर एक स्टोरी है जिसमें कि पोइट अपनी एक लड़की है जिसको वो बहुत प्यार करता है हर डेथ शॉक डेन सैडन एंड हिम और उसकी जब डेथ हो जाती है तो उससे उसको शॉक लगता है और उससे वो उदास हो जाता है वॉट चेंज डिड द स्लमर ब्रिंग इन द पोइट्स फीलिंग और स्लमर के कारण पोइट की फीलिंग में क्या अंतर आता है पहले तो वो उदास रहता है लेकिन स्लमर के कारण क्या होता है कि स्लमर ब्रॉड पीस टू हिज माइंड स्लमर के कारण उसकी दिमाग को शांति मिलती है यहाँ खत्म होते हैं हमारे पोएम के क्वेश्चन आंसर जो था आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व और नेक्स्ट वीडियोस में हम थर्टीन से लेके सिक्सटीन तक के भी सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे और आपकी क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर देंगे आप ये आंसर बहुत ही छोटे हैं आप इनको साथ में याद भी करते जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत सूचना मिल जाए ओके थैंक यू